पिछले क्लास में जब डिफिनेशन क्लास मैंने समझाया था तो मैंने बताया था कि जो रेडियस होता है जो डायमीटर होता है वो दोनों आपस में संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं। कैसा संबंध? अगर मैं रेडियस की बात करूं तो d बाई टू बताया था, और जब मैं d की बात करूं तो 2 इंटू आर, चाहे 2r, तो 2r का मतलब 2 इंटू आर है ना, होता है। ध्यान दो इसका मतलब क्या है, जब आपको d पता हो और r निकालना हो, और जब आपको r पता हो d निकालना हो, जो निकालना हो वो पहले, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो r दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्या निकालना है d, कितना होगा 2 8 सेंटीमीटर। अब बात सर आया कैसे 8 सेंटीमीटर, क्योंकि r दिया है, क्या निकालना है d, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 नंबर के 2 नंबर, 2 नंबर फॉर्मूला लगेगा, d बराबर 2r, r की जगह पे क्या रखोगे 4 सेंटीमीटर, डरो मत, r की जगह पे क्या रखोगे 4 सेंटीमीटर, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। आ गया, समझ में आ गया? अच्छा मान लो ये 15 सेंटीमीटर d दिया है, और क्या होगा 7.5, कितना होगा 7.5, डरो मत, बोलो एकदम सही जा रहे हो। अब कोई पूछेगा सर कैसे, कौन सा फर्क लगेगा, 1 नंबर की 2 नंबर, 1 नंबर, अच्छा 1 नंबर 2 नंबर मत करना, नहीं तो दूसरा मीनिंग हो जाता है, 1 नंबर 2 नंबर कुछ अलग मीनिंग आता है, हंसना नहीं है, सीरियस हो जाओ। देखो तो 1 नंबर फॉर्मूला लगेगा ना, यस सर, तो आर बराबर डी बाई टू, डी कितना था 15, अब भाई कटा दो, दशमलव क्या आता है ना, अच्छा इसको एक और तरीका से लिख सकते हो 7 × 1.5, बोलो इसका भी मतलब सेम है, कोई डाउट है? नो सर, होना भी नहीं चाहिए, डोंट लाइक डाउट, क्लियर है? यस सर। अब बाकी का 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर ये बना लोगे? यस सर। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर बना लोगे? यस सर। कोई डाउट नहीं होगा? नो सर। पक्का? यस सर। 100%? यस सर। चलो बना के कमेंट बॉक्स में डाल देना कि आपका क्या आंसर है, ठीक है? आप लोग भी डाल दोगे, बच्चा तो दिखा देगा फिर बना के। चलो थैंक यू सो मच। दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अब क्या पूछ दिया आपसे, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल जिसका डायमीटर कितना है 9 यूनिट्स, डायमीटर दिया है, क्या दिया है डायमीटर। अब देखो सॉल्व करने से पहले ध्यान देना बात को, क्या कह रहा है, डायमीटर दिया है 9 यूनिट्स, आप पूछा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सी ऑफ सी पूछा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसको हम सी ऑफ सी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है जान लो, तो फॉर्मूला होता है इसका कि एक होता है 2πr, ठीक है, सी ऑफ सी का एक फॉर्मूला होता है 2πr, और एक होता है पाई डी, क्या होता है पाई डी। अब बात आता है सर कि अभी तो हम लोग ये पहली बार नाम सुन रहे हैं पाई का, अच्छा देखो 2r तो तुम लोग देख चुके हो, यस सर, d बराबर 2r होता था, यस सर, तो अगर 2r लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सर, आ 2r की जगह पे खाली d लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सर, प्रॉब्लम कहां आता है पाई पे। तो बेटा जान लो पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, और साथ में ये भी जान लो कि पाई का मान दुगो होता है, 1/22 और एक होता है 3.14, 3.14, 14 नहीं बोलते हैं ना, दशमलव के बाद से नंबर को 1/1 पढ़ते हैं, तो पाई का वैल्यू याद रखना, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 या 3.14, 3.14314, आपको क्यों गलती हो रहा है ना, क्योंकि आप पहली बार नाम सुने हो पाई का, पहली बार देख रहे हो, तो गलती होना लाजमी है, गलती इंसान ही करता है, भगवान से नहीं होता है गलती, ठीक है। तो 2r से कोई दिक्कत नहीं है, अब d से भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। अभी हमको क्या दिया, r दिया है कि d दिया है, d, तो d के लिए कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 की फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 तरीके का फ्रॉम
फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर, ये लिख लोगे तो फुल फॉर्म, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पाई डी क्या होता है, पाई डी, पाई क्या देख लो कैसे, एक भी बना दिए और ऊपर लाइन खींच लिए, और अच्छा वाला पूछोगे कैसे बनता है, थोड़ा सा एक्स टाइप का ऐसा बनता है, ठीक है? यस सर। अरे भाई आप बना लेना, ठीक है ना, पाई डी। यस सर। नाम क्या, देखो पाई क्या है, पाई, और एक आगे तक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए पाइथागोरस परिमेय, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू अब 22/7 मत रखो, ठीक है, क्या रखो, 3.14, और डी कितना था, मल्टीप्लाई करने आता है, यूनिट है तो यूनिट रहेगा। आंसर समझ में आया? यस सर। देखो बेटा बुक के आंसर से मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिलेगा, बुक के आंसर से नहीं मिलेगा इसका मतलब नहीं है कि गलत है, बता देते हैं क्यों, क्योंकि बुक में दिया है 3D, यहाँ पे क्या दिया है 3D, यानी वो पाई के एक अप्रोक्स मान मान लिया, लगभग मान माना है पाई डी, दिखा 3D दिया है, आंसर तो बड़ा 27 दिया होगा बुक में, लेकिन ब्रैकेट में 27 लिख कर, यहाँ पे देखो 27 लिख कर ब्रैकेट में अप्रोक्स कर दिया है, क्या कर दिया है, इसका मतलब समझ लो क्या होता है, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, सही है, क्योंकि इसने क्या किया ना, पाई का सिर्फ 3 मान माना है, 0.14 को गायब कर दिया है, और हमने आपको रियल वैल्यू बताया है कि जब आप 6, 7, 8, 9, 10 में जाओगे तो पाई का वैल्यू यही आपको याद करना पड़ेगा, आपको चेंज ना होना पड़े, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला था, जब डी दिया रहे तो पाई डी, और पाई डी का नाम क्लियर है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, आंसर आ गया, ये आंसर सही है, बुक वाला आंसर भी सही है, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्स लिखा है, क्या लिखा है, अप्रोक्स, अप्रोक्स का मतलब क्या होता है, लगभग, मैं पूछू आपकी एज कितनी है, तब लगभग 10 साल 12 साल 14 साल 20 साल यही बताओगे, यही नहीं बताओगे, एग्जैक्ट नहीं बताओगे, अगर मैं पूछू आपके पापा की उम्र कितनी है, तब लगभग में बताओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, जो उम्र रियल में है वो आपको नहीं पता है, वही चीज है, ओके। ये वीडियो कंप्लीट हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दो, 3 नंबर क्वेश्चन करें, डिफाइन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, याद करो इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, वहां से लिख सकते हो, आपको याद है, आ जाओ, हो गया, बताओ आपका नाम क्या है, माय नेम इज स्नेहा कुमारी, तो स्नेहा बताओ कि रेडियस का क्या डिफिनेशन होता है, रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ओए इज रेड इज द रेडियस, याद है इनको, क्या बताएं इनके लिए थोड़ा सा, चलिए बैठिए, तो आपने जो लड़की बोली है बराबर हम तो सुन के उसको लिख सकते हैं, कह रही है कि जो सेंटर से और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है कहां से, यही ना है भैया मेरा सर्कल, और इस सर्कल से सेंटर से और सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को ना बोलते हैं क्या, रेडियस, रेडियस बोलते हैं, यहाँ पे नाम दे दिए ओ और ए, तो ए इज द रेडियस, ये बोली ना लड़की, ओके, ये बताइए सर्कमफ्रेंस किसको याद है, याद है आपको, आइए बाहर आइए, माय नेम इज सुमन कुमारी, चलिए बताइए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, सर्कल इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, इट इज प्राइमेट्री ऑफ द सर्कल, क्या बात है, क्या पूछा, तो क्या है ना कि आपको भी सर्कमफ्रेंस याद रखना है, कि जब मैंने बताया था, याद करो इसके अगले वाले वीडियो में, कि साइकिल का एक चक्कर ले लो, टायर नीचे पटक दो, उस पे एक राउंड घूम दो, जहां से स्टार्ट किए थे फिर जहां पे आकर रुके वही सर्कमफ्रेंस, सबसे अच्छा उपाय था, बेटा आप ये भी बोल सकते थे डरो मत, लेकिन क्या है कि यहां पे लिखना है डिफाइन है, डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, चक्का गिरा दिए ऐसे नहीं लिखोगे, नंबर देंगे सर, नहीं देंगे, तो जो डिफिनेशन लिखा है तो लिख लेना, क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, कि है जरूरत नहीं है ना, तो चलिए बाकी का आप क्वेश्चन बनाओगे, और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बच्चों का डिफिनेशन कैसा लगा, और सपोर्ट करो, थैंक यू सो मच।